हेलो स्नैप लवर, वेलकम टू स्नैप वर्ल्ड। सो आज हम बात करेंगे फेस रीटच और आई कलर के बारे में। सो बिना किसी देरी के सॉफ्टवेयर को ओपन करें और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। फेस रीटच के लिए लेफ्ट साइड में प्लस के ऑप्शन में जाएं, फेस इफेक्ट पे क्लिक करें, फेस रीटच पे क्लिक करिए। यहाँ से हम सॉफ्ट स्किन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताँ जो फ़ोटोज़ क्लिक करते टाइम स्किन सॉफ्ट आए। यहाँ से आप बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट देख सकते हो। सो ऐसे हम स्किन को रीटच और स्मूथ कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं आई कलर की। सो आई कलर को चेंज करने के लिए प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करें, फेस इफेक्ट में जाकर आई कलर पे क्लिक करें। आई कलर में एज ए डिफ़ॉल्ट हमको आई कलर ही शो होता है। सो कलर को चेंज करके टेक्सचर पे क्लिक करें और गूगल से कोई भी आई लेंस का टेक्सचर डाउनलोड कर लें। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आई लेंस के टेक्सचर को यहाँ पर ले आएं और आई कलर की ऑप्शन में टेक्सचर को अप्लाई कर दें। यहाँ से आप लेंस की ओपेसिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। अपने हिसाब से सारी सेटिंग करने के बाद प्रोजेक्ट इन्फो में जाएं, लेंस का नाम रखें, आइकन सेलेक्ट करके पब्लिश लेंस पे क्लिक करें और लेंस को पब्लिश कर लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हो और मेरे से भी फिल्टर्स को बाय कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।